नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपको यूपी स्टाइल मटर और आलू की नमूना बनाकर दिखाऊंगी। ये यूपी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। तो ये देखिए, चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपको यूपी स्टाइल मटर और आलू की नमूना बनाकर दिखाऊंगी। ये यूपी का बहुत ही प्रचलित भोजन है। तो ये देखिए, मैंने मटर 500 ग्राम मैंने मटन छील लिया है और 500 ग्राम मैंने आलू को छीलकर काट लिया है। तो इसमें मसाला, तो इसमें हर चीज़ हरे हरे चीज़ों ही डाले जाते हैं। तो देखिए, मैंने ये धनिया ले लिया है, इसको डाल देंगे। ये देखिए, लहसुन, हरी लहसुन है, तो ये 4-5 लहसुन भी मैंने काट लिया है। 5 मैंने हरी मिर्च लिया है और 1 इंच अदरक, इसको भी डाल दूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा और मिर्च डालूंगी। इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। देखिए, मैंने सारे मसाले को बारीक पेस्ट बना लिया है। चलिए अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मटर को भी हम बारीक पीस लेंगे। इसको भी बारीक पीस लेते हैं। देखिए, मैंने मटर को भी पीस लिया है। कढ़ाई मैंने बिठा दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें मैं तेल डाल दूंगी। मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा मैं मेथी डाल दूंगी। मेथी चटक जाएगा तो मसाले को भूनूंगी। मेथी भून चुका है फ्रेंड, जो मटर मैंने पीसा था उसको मैं भूनूंगी। इसको जब तक तेल नहीं छोड़ता है तब तक इस मटर को मैं भूनती रहूंगी। इस तरीके से आप एक बार यूपी स्टाइल मटर का नमूना बनाकर देखिए। हमें बहुत ही टेस्टी लगता है ये और इसका स्वाद बहुत हदकर आता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते रहना है ताकि ये मटर का दम कच्चापन निकल जाए। फ्रेंड, इसको मैंने 10 मिनट भून लिया। देखिए, इसमें तेल पूरा छोड़ दिया किनारे किनारे। अब इसमें मैंने जो धनिया का सब्जी का पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूँगी इसमें। इसको भी 10 मिनट तक भूनते रहना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। बस इसमें मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको 1 चम्मच डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, तेल छोड़ चुका है, यानी अच्छे तरीके से मसाला और मटर दोनों भून चुका है। तब इसमें आलू डाल दूंगी। इसको भी 5-7 मिनट भून लेंगे। इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये मेरी यूपी का बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। अब इसको भून लेंगे 10 मिनट।
आलू को भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए कितना थिक बना है, इसको ढककर 10 मिनट पका लेंगे। देखिए फ्रेंड 5 मिनट तो हो गया है, देखिए कितना थिक बना है। तो इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा वरना ये बीच से अंदर से चिपक जाता है तली में। तो 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है, अभी आलू इसका कच्चा है तो 5 मिनट और इसको पका लेंगे। धीमे आंच पे इसको पकाते रहना है। देखिए फ्रेंड ये सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। और ये देखिए तो चलिए आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं फ्रेंड। कि फ्रेंड ये सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। तो आई होप कि आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।